नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी, और सबसे पहले बात करेंगे मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की। आपको बता दें, अनंत सिंह को पटना एमएलए एमपी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, लिहाजा अब उनकी विधायकी जानी तय है। बता दें कि मोकामा में पैतृक गांव लदमा स्थित घर से AK-47 और ग्रेनेड की बरामदगी हुई थी। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने आरोपित मोकामा के विधायक अनंत सिंह और एक अन्य सुनील राम को दोषी करार दिया था। इसके बाद आज जो सजा सुनाई गई, और ये मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 से जुड़ा है। और मामले में बाढ़ सहित विभिन्न थानों की पुलिस ने 16 अगस्त 2019 को विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदमा स्थित घर में छापेमारी कर AK-47 7.62 mm की 26 गोलियां और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया था। पुलिस ने अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र आईपीसी की धारा 414, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a), 25(1)(aa), 25(1)(b)(c), 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था, और इसमें 13 जून को कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। गौरतलब है कि 16 अगस्त 2019 को तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में अनंत सिंह के पैतृक गांव नदमा के आवास पर छापेमारी की गई, और इस दौरान उनके घर से AK-47, 2 ग्रेनेड समेत कई हथियार मिले थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सजा दी गई है, सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में, 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई, और सारी सजाएं साथ साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। जी, मेंबरशिप तो वो तो आगे की कार्रवाई है, उसमें विशेष नहीं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो होता है, अगर हाईकोर्ट से फिर क्या स्टे अगर लग जाता है, अगर सेंटेंस पर स्टे होगा हाईकोर्ट से, तो मेंबरशिप नहीं जाएगी। निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे, किसी भी कोई भी। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, अनंत सिंह की विधायकी जानी अब तय मानी जा रही है, 10 साल की सजा हुई है, क्या कुछ विस्तृत जानकारी? देखिए उर्वशी, 16 अगस्त 2019 को बाढ़ सहित कई थाना क्षेत्रों में पुलिस की छापेमारी हुई थी, और उसी छापेमारी के दौरान अनंत सिंह के पुश्तैनी घर लदमा में भी छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में उस समय AK-47 जी और हैंड ग्रेनेड मिला था जी। मामला दर्ज किया गया, बिल्कुल। मामला दर्ज किए जाने के बाद 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ जी। दोनों के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया, और आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद जो धाराएं थी वो धाराएं हम आपको बता दें, धारा आईपीसी की धारा 414, आर्म्स एक्ट की धारा 25(25)(a), 25(a)(a), 25(a)(b)(c), 27 ए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत ये पूरा मामला दर्ज कर किया गया। इसी मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ, 13 जून को कानूनी प्रक्रिया खत्म हो गई। उसके बाद दोनों पक्ष के तरफ से बहस के बाद माननीय कह सकते हैं राजद के जो बाहुबली विधायक है उनको कोर्ट ने 14 जून को उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया, दोषी वो करार हो गए। 21 जून का डेट रखा गया कि सजा के बिंदु पर बहस होगी। आज दोनों तरफ से बहस हुई, अनंत सिंह के वकील ने आर्गुमेंट दिया कि सजा कम दी जाए, सरकारी पक्ष ने कहा कि इनके खिलाफ आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज है, इन्हें कठोर सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास सजा होनी चाहिए। इस पूरे मामले के बाद माननीय न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। इनके साथ सुनील राम जो इस मामले में आरोपी थे उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में अभी तक 34 गवाह पेश किए गए थे और 13 गवाह को कोर्ट में पेश किया गया था। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब अनंत सिंह की विधायकी जानी तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार भारतीय जनप्रतिनिधि कानून के तहत किसी भी वैसे व्यक्ति जो लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का सदस्य होता है, अगर उसे 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, बिल्कुल,
तो उसकी सदस्यता जानी तय मानी जाती है, क्योंकि इनको 10 साल की सजा हुई है जी, तो इनकी विधायक की जानी तय है। वो कार्रवाई कब होगी जी, ये तो बिहार विधानसभा चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी है जी, जजमेंट की कॉपी जैसे ही मिलेगी, अनंत सिंह के वकील ने बताया कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे और हाई कोर्ट में अपना आर्गुमेंट देंगे और बताएंगे कि इस पूरे मामले से इनका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल ये इंतजार करना पड़ेगा दो चीज का, पहला कि अब चुनाव आयोग किस तरीके से इनके सदस्यता पर कार्रवाई करता है, कब करता है जी। दूसरा इनके वकील पटना हाईकोर्ट में रिच याचिका कब दाखिल करते हैं। लेकिन दो चीज तो कन्फर्म है कि मुश्किलें बहुत बढ़ गई जी, और अनंत सिंह की विधायकी जानी तय। उर्विशी बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 साल से ज्यादा अगर सजा होती है तो विधायकी का खतरा होता है। हालांकि उनके वकील ने साफ तौर पर कहा है कि अब इससे चुनौती दिया जाएगा हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में देखना होगा क्या कुछ पूरे मामले पर फैसला आता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।